डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवंथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम करेंगे, जिसके फोर पार्ट्स हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे दी गई ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये बताना है। आल्सो फाइंड ए प्रॉफिट परसेंट और ए लॉस परसेंट इन ईच केस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी निकालना है। ए पार्ट है स्टूडेंट्स, गार्डनिंग सीयर्स बोट फॉर RS 250 एंड सोल्ड फॉर ए RS 325। गार्डनिंग सीयर होता है स्टूडेंट्स एक बड़ी से आकार की कैंची होती है, ये जिससे बाड़ी पौधों की छटाई करता है। वो हमने या जिसने भी ली, बोट मीन्स खरीदना, खरीदी 250 की और बेची 325 की। तो जिस कीमत पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीयर्स इक्वल टू RS 250। सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग सीयर्स इक्वल टू RS 325। कोई वस्तु अगर कम की लेके ज्यादा की बेच दी तो स्टूडेंट्स वो होता है प्रॉफिट, और कोई वस्तु कम की ले ज्यादा की लेके कम की बेचती तो होता है लॉस। तो इसमें देखो, कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदी तो थी 250 की और बेच दी 325 की, तो इसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, RS 325 माइनस RS 250 इक्वल टू RS 75। इसमें से माइनस करोगे तो 75 बचेगा। ये अपना आ गया स्टूडेंट्स प्रॉफिट। अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। परसेंट ऐसे लिख सकते हैं, ये परसेंट का साइन है। परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस। जो भी लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो अभी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना हुआ 75 मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 250। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 25 थ्री जा 75 और 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया 30, इसके पीछे परसेंट लगा। ये ए पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए रेफ्रिजरेटर बोट फॉर RS 12,000 एंड सोल्ड एट RS 13,500। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। इक्वल टू RS 12,000। सेलिंग प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर RS 13,500। अब खरीदी कम में बेची ज्यादा में तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अपना कितना है 13,500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000। अब प्रॉफिट कितना हुआ इसमें से माइनस कर दो 1,500। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस, यही रहेगा फार्मूला। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 1,500 मल्टीप्लाई 100 और बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000। 1212 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और 12 से देखो ये पूरा तो नहीं कैंसिल होगा, इसको पहले आप 3 से कर लो, 3 4 जा 3 5 जा और 0। अब फिर 2 से 2 2 जा और 2 2 जा 2 5 जा, बचा कितना 25/2। अब इसको या तो डेसिमल फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 उतर है 5, 2 2 जा 4 बचा 1, ये 1 यहाँ 2 यहाँ, इसको हम लिखेंगे 12 × 1/2%। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 12.5% आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये अपना बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए कप बोर्ड बॉट फॉर आरएस 2,500 एंड सोल्ड एट आरएस 3,000। एक अलमारी 2,500 की खरीदी और 3,000 की बेच दी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कप बोर्ड इक्वल टू आरएस 2,500, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कप बोर्ड इक्वल टू आरएस 3,000। अब इसमें भी कम की खरीदी है ज्यादा की बेची है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला यही रहना है सभी सम में, आरएस 3,000 माइनस आरएस 2,500, तो कितना बच गया आरएस 500। 3,000 में से 2,500 माइनस करोगे तो 500 बचेगा। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है 500 मल्टीप्लाई 100 बाई 2,500, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 1 जा 25 25 2 जा 50 और ये जीरो, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20%। ये अपना सी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए स्कर्ट बॉट फॉर आरएस 250 एंड सोल्ड एट आरएस 150। एक स्कर्ट 250 में खरीदी और 150 में उसको बेच दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्कर्ट इक्वल टू आरएस 250, सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्कर्ट आरएस 150। अब इसमें देखो खरीदी थी ज्यादा की बेच दी कम की, तो ये हुआ लॉस, लॉस निकालने का फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 250 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 150, तो कितना बच गया आरएस 100। अब लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस कितना हुआ 100
मल्टीप्लाई ये फॉर्मूले का 100 और बाई कितना होगा 250। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40%, ये 40% लॉस हुआ स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।